Hey everyone, welcome back to this channel. तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा द बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज, वो भी एब्सोल्युटली फ्री में आपके पास अवेलेबल है टू प्रैक्टिस जनरल एप्टीट्यूड जो गेट में है। तो जनरल एप्टीट्यूड में जनरली क्या क्या होता है, द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ जनरल एप्टीट्यूड इज न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड वर्बल एबिलिटी। तो आपको कहाँ से सीखना है एंड द बेस्ट पॉसिबल फ्री रिसोर्सेज आपके पास क्या है विदाउट रेफरिंग एनी टेक्स्ट बुक, आपको क्या क्या रिसोर्सेज इंटरनेट पे भी अवेलेबल है जिससे आप एप्टीट्यूड सीख सकते हो एंड एप्टीट्यूड में पूरा मार्क्स कवर कर सकते हो। आई थिंक 15 मार्क्स होता है एप्टीट्यूड में। सो बेसिकली व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, देखो गेट के जो एप्टीट्यूड सेक्शन होता है, जो न्यूमेरिकल होता है, जो वर्बल होता है, उसके लिए कोई डेडिकेटेड बुक नहीं होता है। कुछ कोचिंग सेंटर ऐसे डेडिकेटेड बुक बनाते हैं लेकिन जनरली कोई ऑथर के द्वारा डेडिकेटेड बुक गेट के लिए जनरली नहीं होते। जो रेपुटेड बुक ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट पे वो जनरली द एग्जाम लाइक कैट, यूपीएससी या फिर कोई बैंकिंग सेक्टर, कोई गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि एसएससी, ऐसे कोई जो एग्जाम होता है तो उसी एग्जाम के लिए वो बुक्स डिजाइंड है, नॉट फॉर द गेट एग्जाम। गेट एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको 15 मार्क्स आएंगे तो उसके लिए कोई डेडिकेटेड बुक कैसे बनाएंगे। तो उनका जो बुक है उनमें बहुत सारे कंटेंट है, आपको बहुत कुछ सीखना होगा, बहुत कुछ पढ़ना होगा एंड बहुत टाइम भी लगता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे सॉल्यूशन चाहो जिसमें आपको बहुत कम टाइम लगता है, आई थिंक 1 or 2 weeks में मैं जो मेथड बताऊंगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 to 2 weeks आप यूटिलाइज करो, जस्ट सीखो एंड प्रैक्टिस करो, दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, आपको गेट में 15 मार्क्स कैरी करना दैट विल बी केक वर्क, जस्ट अ केक वर्क, इतना इजी आपको हो जाएगा। एंड मैं एक ही रिसोर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करूंगा, चलिए देखते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड थैंक अन अकेडमी फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। तो अन अकेडमी रिसेंटली लॉन्च कर रहे हैं न्यू बैचेस फॉर गेट एज वेल एज ईएस एग्जाम फॉर 2022 and 2023। तो अगर आप इनमें से कोई भी एक फॉलोइंग ब्रांच से हो जैसे कि CSIT या फिर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपके लिए नया बैचेस स्टार्ट हो रहा है 25th of August से। सो प्लीज एनरोल एज अर्ली एज पॉसिबल एंड यू कैन गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट इफ यू यूज माई कोड मनीष मजुमदार। ऑल्सो अन अकेडमी विल बी होस्टिंग द गेट एंड ईएससी मेगा कॉम्बैट एग्जाम इन दिस कमिंग संडे एट 11 AM फॉर 5 different branches। So this will be a 60 minutes exam consisting of 20 questions and इस exam में जो top 200 participant होंगे ना तो सिर्फ आर अकेडमी की तरफ से scholarship मिलेगा उनको, उसके साथ भी exciting gifts मिलेगा as you can already see। So this is a completely free test, आपको क्या करना है, first you have to download the Android app of आर अकेडमी and you just need to enroll using my code मनीष मजुमदार। So with आर अकेडमी let's crack it। So okay, आपके सामने free में best possible resource to prepare for aptitude is Geeks for Geeks। This is obviously not the sponsored video. During my preparation, I also use these resources and इसीलिए आपको मैं ये suggest कर रहा हूँ। आपको अगर कुछ कम टाइम में जल्दी सब कुछ सीखना है विदाउट रेफरिंग द हाई क्वालिटी बुक्स दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल फॉर द UPSC या फिर CAT aspirant या फिर कोई SSC या फिर बैंकिंग जो एग्जाम होता है उसके लिए, अगर आपको जो बुक है वो बुक्स रेफर नहीं करना है, गेट के लिए सिर्फ और सिर्फ जितना कंटेंट की जरूरत है आपको सारे चीज़ इससे मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस साइड इज स्पेशली डिजाइन फॉर गेट कंप्यूटर साइंस। बट अगर आप कोई अदर ब्रांच से हो जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, सिविल, आपके लिए एप्टीट्यूड सेक्शन की जो पार्ट है उसी सेम पार्ट आपको यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। सो जस्ट नाउ क्लिक ऑन दिस लिंक, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन डायरेक्टली कम हेयर और यू कैन कम हेयर वाया विजिटिंग गीक्स फॉर गीक्स। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल पे क्लिक करना है, उसके बाद क्लिक ऑन ग्रेट एंड गेट कंप्यूटर साइंस नोट। ठीक है, इस पे जो एप्टीट्यूड सेक्शन है दिस इज कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस। ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेबस है, यहाँ पे आपको लर्न है, यू कैन प्रैक्टिस हियर एंड देयर आर सम एक्सटर्नल रिसोर्सेज। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या जरूरत है, आपको जरूरत है लर्न एंड प्रैक्टिस सेक्शन की। ठीक है, तो फर्स्ट यू लर्न अ टॉपिक देन यू गो देयर एंड प्रैक्टिस। तो आपको अगर लर्न करना है यू कैन क्लिक द प्लेसमेंट, तो आपको इस पेज पे आ जाएंगे एंड ऑल द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग इन गेट दैट आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द क्वेश्चन दैट विल बी गिवन टू प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर आप एक प्लेसमेंट कैंडिडेट हो, आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लेसमेंट के लिए बैठोगे तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन द प्लेसमेंट। ठीक है, तो गेट एज वेल एज प्लेसमेंट दोनों को प्रिपरेशन आपको एक बार में हो जाएगा एंड इसके बाद आपको अलग अलग सेक्शन मिलेगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का इस 28 टोटल कंटेंट है एंड हर कंटेंट का 2 सेक्शन है, लर्न एंड प्रैक्टिस। सो फर्स्ट यू इफ यू वांट टू लर्न समथिंग जस्ट क्लिक ऑन लर्न, उसके बाद प्रैक्टिस कर करना है, चाहे वो कोई क्वेश्चन फ्रॉम द गीक्स फॉर गीक्स या फिर कोई गेट प्रीवियस क्वेश्चन, यू कैन इजली प्रैक्टिस है। ठीक है, तो अगर मेरे को LCM HCF सीखना है तो आई जस्ट क्लिक ऑन लर्न, इसमें आपको LCM HCF की सारे जो थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स है जो जिस टाइप की प्रॉब्लम गेट में आते हैं या फिर कोई प्लेसमेंट एग्जाम होता है उसमें आते हैं, तो हर एक सेक्शन का ऐसी डिजाइन है, आपको पहले थ्योरी सीखना है, उसके बाद जो सैम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप उसको सीखो, दैट इज
मोर देन इनफ फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। तो आपको क्वांट हो जाएगा, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, एंड दैट इज प्रीटी मच इनफ फॉर गेट एप्टीट्यूड सेक्शन, ठीक है। गेट में जो जनरल एप्टीट्यूड होता है वो इससे अगर आप करोगे तो दैट विल बी मोर देन इट। मैं भी इसी रिसोर्स से प्रैक्टिस किया था ड्यूरिंग माई गेट प्रिपरेशन डेज एंड दिस इज रियली यूजफुल, ठीक है। सो माई सजेशन विल बी फर्स्ट फॉलो दिस पेज एंड लर्न ऑल द थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट एंड जो सैम्पल क्वेश्चन है, सैम्पल प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व करो। उसके बाद कुछ अलग तरीके से प्रॉब्लम आपको नहीं सॉल्व करने, सिर्फ और सिर्फ आपको गेट की प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने। एंड वो कहाँ मिलेगा, वो यहाँ पे भी मिलेगा, जो गेट की प्रीवियस क्वेश्चन है सारे थिंग्स आपको, यू जस्ट गो ट्यूटोरियल, यू जस्ट क्लिक ऑन गेट, यहाँ पे आपको गेट सी एस सॉल्व पेपर मिलेगा। एंड यहाँ पे जो एप्टीट्यूड सेक्शन है, एप्टीट्यूड के सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखो एप्टीट्यूड का जो प्रोबेबिलिटी सेक्शन है, जो जनरल एप्टीट्यूड है, जो इंग्लिश है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो व्हाई दिस पेज, स्पेशली दिस गीक्स फॉर गीक्स पेज इज एसेंशियल फॉर स्पेशली फॉर गेट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। अगर आप कोई दूसरे मैन से हो तो आपके लिए एप्टीट्यूड काफ़ी है, आप यहाँ से एप्टीट्यूड सीख सकते हो। अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, आपके लिए दिस पेज हैज़ अ मोर टू ऑफर। दिस पेज हैज़ ऑल द कंटेंट्स रिलेटेड टू गेट सिलेबस, नॉट जस्ट एप्टीट्यूड, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो एप्टीट्यूड के बाद है यहाँ पे मैथमेटिक्स सेक्शन है, जो गेट कंप्यूटर साइंस सिलेबस की है। मैथमेटिक्स का चारों अलग सेक्शन है, जैसे कि डिस्क्रीट मैथ, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड कैलकुलस। डिस्क्रीट मैथ का जितना सारा कॉन्सेप्ट है उसका हर कॉन्सेप्ट का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन एनी लिंक, यू जस्ट इट विल रिडायरेक्ट टू दैट पेज। जस्ट लर्न द थ्योरी, प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन, एनाफ। इसके बाद आपको क्या है, लीनियर अलजेब्रा, गो टू दैट सेक्शन, लर्न लीनियर अलजेब्रा, मतलब एकदम स्टार्टिंग से एंड तक आपको लीनियर अलजेब्रा समझ में आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी भी समझ में आ जाएगा, एंड कैलकुलस जो गेट कंप्यूटर साइंस के लिए है वो आपको पूरा की पूरा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कुछ अलग रिसोर्सेज रेफर करने हैं, जैसे कि MIT डिस्क्रीट मैथ लेक्चर्स, या फिर कोई बुक्स रेफर करने हैं, कोई ISC या फिर IIT मद्रास या फिर NPTEL का कोई आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन रेफर करना है, तो आप यहाँ से रेफर कर सकते हो। डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। नॉट जस्ट एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स, इस पर आपको सारे जो गेट कंप्यूटर साइंस की सिलेबस है, जैसे कि एल्गोरिदम, जैसे कि मतलब प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है उसका लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। तो इफ़ यू आर अ सेल्फ प्रिपेयरिंग स्टूडेंट, आप खुद आपके गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज यू कैन एक्सेस। मैं आपको ऐसे नहीं रिकमेंड करूँगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसी को फॉलो करना है। आप वीडियो फॉलो कर सकते हो, आप लेक्चर पढ़ सकते हो किसी अलग जगह से, बुक्स रेफर कर सकते हो, एंड कीप दिस थिंग एज अ साइड हसल, ठीक है। मतलब सब कुछ पढ़ने के बाद अगर आपको गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, यू कैन रेफर दिस। अगर आपको गेट की कोई मतलब कोई सब्जेक्ट की कोई चैप्टर्स की नोट चाहिए, यू कैन रेफर दिस पेज। एंड अगर आपको गेट कंप्यूटर साइंस की जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको आपको रेफर करना है, जो जस्ट क्लिक ऑन ट्यूटोरियल, गो टू गेट एंड गो टू गेट CS सॉल्व पेपर्स। यहाँ पे आपको सारे मतलब गेट 96 से गेट 21 तक सारे के सारे पेपर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे चाहिए कि मेरे को डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम वाले सेक्शन से क्वेश्चन चाहिए, मेरे को एरे से क्वेश्चन चाहिए, मेरे को लिंक लिस्ट स्टैक की उसे अलग अलग की जो गेट लेवल की क्वेश्चन है वो चाहिए, सो यू कैन हैव दिस अपॉर्चुनिटी है। जस्ट क्लिक ऑन एनी लिंक, जस्ट क्लिक ऑन बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री से गेट में जितना सारा क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे करके सारे सब्जेक्ट के अलग अलग जो चैप्टर होता है, हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। अगर आपको सिलेबस पूरा खत्म हो गया तो यू कैन अटेम्प्ट दिस मॉक टेस्ट हियर आल्सो। मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा, अगर आप एक सेल्फ प्रिपरेशन कैंडिडेट हो तो आपको डेफिनेटली ये रेफर कर सकते हो फॉर एब्सोल्युटली फ्री। आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अगर आपके पास इंटरनेट है, यू कैन एक्सेस दिस पेज। फॉर ऑल द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, दिस इज अ मस्ट टू विजिट पेज। एंड फॉर ऑल द नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, आप अगर एप्टीट्यूड के लिए कोई रिसोर्स ढूंढ रहे हो तो दिस इज द बेस्ट एप्टीट्यूड रिसोर्सेज यू कैन हैव फॉर एब्सोल्युटली फ्री। तो आई होप दिस क्लियर्स ऑल योर डाउट रिगार्डिंग द एप्टीट्यूड प्रिपरेशन, कहाँ से आपको प्रिपेयर करना है, कहाँ से फ्री में आपको सब कुछ मिल सकता है। तो आप जस्ट आंखें बंद करके इसको फॉलो कर सकते हो। दिस इज नॉट द ओनली थिंग आई वुड रिकमेंड। आप जो ऐसे आपकी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है या फिर कोई वीडियो लेक्चर देखना है, उसको देखने के बाद दिस यू कैन कीप दिस एज अ साइड। मतलब अगर आपको प्रिपरेशन करना है, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा थिंग की जरूरत है, अगर आपको कोई प्रैक्टिस करना है, तो आप गीक्स फॉर गीक्स की जो इसी सेक्शन है, गेट सेक्शन है, इसको आप आंखें बंद करके यूज़ कर सकते हो। बस दैट्स इन टू टुडेज वीडियो। अगर आप इस वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक कर देना, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर गेट एंड प्लेसमेंट रिलेटेड वीडियोज। एंड ऑल्सो अगर आप इस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।